हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुस्मार और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है और इससे बेनिफिट कैसे लेते हैं, और जो ट्वेल्थ पास आप चाहे जिस भी स्टेट से करते हैं, अगर आप डोमिसाइल कहीं और का है, ट्वेल्थ पास कहीं और से करते हैं, तो ये आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं स्टेट कोटा से और डोमिसाइल से, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ अपना ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 2019 में कट ऑफ कितना ज़्यादा चला गया है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास, अगर मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास ये है तो आप बेनिफिट लाभ ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डोमिसाइल क्या होता है, कि जहाँ पे जिस स्टेट में आपका घर है, प्रॉपर रेसिडेंस जिस स्टेट के हैं वो डोमिसाइल है, यानी आपके पेरेंट्स जिस स्टेट में रहते हैं वो आपका डोमिसाइल है। और ध्यान सुनिएगा, ये तो आपको पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। सपोज करें कि आप दिल्ली से हैं और डोमिसाइल दिल्ली का है, और किसी और स्टेट से आप, सपोज किसी हरियाणा से या पंजाब से, अगर आप पंजाब या हरियाणा से ट्वेल्थ पास करते हैं तो आप उस स्टेट के लिए 85% में एलिजिबल हो जाते हैं। तो दो स्टेट हो गया, यानी दिल्ली में डोमिसाइल से आप 85% आप कवर सीट कर सकते हैं, यानी आपका प्रॉपर स्टेट हुआ। और जिस स्टेट से आप ट्वेल्थ पास करते हैं वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, 85% में आप आ जाएंगे। तो ये दो स्टेट से आप आराम से बेनिफिट ले सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेट के लिए जिस स्टेट में डोमिसाइल है उस स्टेट में भी आप स्टेट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल के, काउंसलिंग के लिए। और आप जिस स्टेट से ट्वेल्थ पास करते हैं उस स्टेट में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, वो तो 15% पे होता है। फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास है, बेनिफिट है ट्वेल्थ किसी और स्टेट से, डोमिसाइल कहीं और स्टेट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जिसका इस बार 640 के अप्रोक्स मार्क्स थे और वो दिल्ली का स्टूडेंट, सपोज बिहार का था 640, उस स्टूडेंट को मौलाना आजाद अलॉटमेंट नहीं हुआ, और सेम मार्क्स पे दिल्ली का स्टूडेंट डोमिसाइल दिल्ली से है उसको मौलाना आजाद इतने मार्क्स पे अलॉटमेंट कर दिया गया है DU से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डोमिसाइल कहीं और का है और ट्वेल्थ किसी और स्टेट से करते हैं जिस स्टेट में सीट्स भी ज्यादा हैं, मेरा ओपिनियन है जिस स्टेट में सीट्स ज्यादा हैं, जिस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, उस स्टेट से अगर आप चाहते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग करना, मुझे इस कॉलेज में जाना है, तो आप अगर उसी स्टेट से ट्वेल्थ पास करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है 85% कोटा का, स्टेट कोटा का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो एक आप, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर होता है कि मुझे मौलाना आजाद चाहिए दिल्ली, मुझे UGMC चाहिए, वो चाहिए, मुझे सफदरजंग चाहिए। तो आप एज कंपेयर टू अदर स्टेट, अगर आप दिल्ली का डोमिसाइल है तो आप कम मार्क्स पे भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्वेल्थ अगर डोमिसाइल कहीं और का है, चाहते हैं कि मुझे ये कॉलेज इस स्टेट में चाहिए, तो उस स्टेट से आप आराम से ट्वेल्थ पास कर सकते हैं, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से आप कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मुझे ये इस वीडियो में बताना था फ्रेंड्स। और बता दूं कि अगर नीट के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। मुझे यही बताना था आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।